देखिए जी माशाल्लाह हमारी मम्मी भी यूट्यूबर बन गई है, क्या बात है। इजाज की माँ हो और यूट्यूबर ना बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ मेरी प्यारी अम्मी जान काम करने से पहले कैसे तैयार होती हैं। तो आइए मेरे साथ, आज सारे राज आपके सामने। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हमारी प्यारी अम्मी जान। ये देखिए कितनी माशाल्लाह तैयार हुई, जैसे वलीमे पे जा रही है। प्यारी लग रही है ना। सुरमा लगाओ, लगाओ सुरमा लगाओ। तो मेरी अम्मी जान काम करने से पहले इस तरह तैयार होती है। अमीन वसाला नहीं। तो अम्मी जान आज आप क्या बना रही हैं? आज से बना लगे हैं किसनार कीमा, नाले बटा को सी शोरबे वाला। अच्छा, दो रेसिपी। हाँ, दो रेसिपी बनानी है। अच्छा, दो रेसिपीज बना रही हैं, वाह जबरदस्त। आज तो सबकी मौजे जो बनाएंगी इंशाल्लाह हम खा के आपको चेक भी करवाएंगे। हाँ हाँ, फिर बताएंगे अम्मी ने कैसा बना। सारे आके सी के माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी। अच्छा अम्मी, एक तो कचनार गोश्त बनाना है, दूसरा शोरबे वाला गोश्त। अच्छा गोश्त बनाना है, अच्छा ठीक है। बस पहला बनाने आख्या जी बच्चिया ने कि शोरबे वाला गोश्त बनाओ। हां हां, शोरबे वाला गोश्त बनाना। हां हां, कचनार कीमा बनाना है। क्या बात है, यानी कि आज तो दावत होगी। हाँ, आज तो मजे ही मजे, आज मजे ही मजे। और रियाज भाई, तुम्हारे लिए एक और काम है। क्या? अम्मी ने एक और काम तुम्हारे लिए रखा हुआ, अम्मी से बताओ। आज आज भाई भाई राम मैं बताती हूँ। आज 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 ये पता क्या बात है। हाँ। ये ना हमारे घर में शुरू से ये खुद मिर्चों के इस तरह ड्राई करते हैं, धूप में डालते हैं 3-4 दिन। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाती है तब इन्हें पिसवाया जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल ओरिजिनल होती है। बाजारी हम बिल्कुल यूज नहीं करते, इसी तरह हम खुद ला के खुद ही पिसवाते हैं। और ये देखिए, ये है और ये हल्दी, तो एक बहुत लंबा चौड़ा काम। ये देखिए, देखने में ये बिल्कुल नहीं लगता कि ये हल्दी है, पता नहीं क्या लगता है, लेकिन ये इसी तरह आती। पहले इसको ऐसे ड्राई करते हैं, फिर क्या करते हैं अम्मी जी, आप बताएं। अम्मी बताएं क्या करते हैं पहले। अच्छा, बॉइल देने के बाद फिर कटिंग करते हैं, हल्का हल्का छिलका उतारते हैं, फिर काट के फिर सुकने पाएगा। अच्छा, काट के छोटे छोटे पीस करके 3-4 दिन पूरा साल खराब ही नहीं। और बार बार आप ध्यान रखती है आज बारिश ना हो जाए। बारिश का ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, ये छोटी और लंबे दोनों वाले। हाँ, ये दोनों मिक्स, इसमें अभी मिक्स दोनों की हुई है। पता है मिक्स की ने ऐ मिर्चा ने ना कौड़ियाँ ज्यादा होंगे ना, ऐ छोटी मिर्च। अच्छा, ऐ कौड़ियाँ ज्यादा होंगे ना, ऐ कट कौड़ी होंगी, ये फिर दोनों मिला के पिसाई। अच्छा अच्छा, यानी कि इसमें भी कोई बात है कि दोनों अगर मिक्स करें तो ज्यादा अच्छी रहती है। सारी ये लेनी है, सारी ये करनी, दोनों मिक्स करनी। तो आधा किलो चावल मिर्चा वाला। अच्छा, यानी कि बैलेंस करने के लिए ऐसे करें। हाँ हाँ सही। तो मैं इनको पिसवा के लाऊं। हाँ बिल्कुल रियाज भाई, अगर खाना खाना है आपको, ये पिसवाने के बाद भी दिखाता हूँ कि ये कैसी होती है। ये काम तुमने करना है, ठीक है, इसके बाद तुम्हें अच्छा सा खाना मिलेगा, ठीक है। अच्छा, जो अम्मी के लिए लेके आए, अम्मी को वो तो दो, भूल गए हो जो फ्रीजर में रख के आए हो। क्या लेकर आए हो अम्मी? कुछ लेके आया तुम्हारे लिए, जल्दी लेके आओ, अम्मी खुश हो जाएगी। अच्छा अम्मी, मेरी बात सुने। अच्छा मुझे ये बताएं, अक्सर रियाज जब सामान लेके आता है घर का, तो आपके लिए कुछ लेके आता है जो आप खा के खुश हो जाती है। गर्मी में ठंडा ठंडा क्या लेके आता है आपके लिए? ओहो जबरदस्त, यानी कि अम्मी को याद है, ठीक है। कुल्फिया भी लेके आता है, और सबसे बड़ा क्या, तरबूज। अम्मी जी आप भूल गई हैं, अभी तो आपने तरबूज खाना है। तकरीबन हर रोज ही लेके आता है तरबूज ना। और गर्मियों में कुल्फी अम्मी के लिए स्पेशल, और दूसरों को फ्री में, और दूसरे फ्री में इतना बड़ा तरबूज मिलके खाते हैं। हाँ बिल्कुल, मजा आता है। रियाज आ गया, रियाज आ गया। आपके लिए स्पेशल क्या है?
अम्मी के लिए जो लेके आता है और अम्मी खुश हो जाती है ये लेके। ये मेरा बेटा बड़ा है ना, इस करके बहुत प्यार करता है। अम्मी खुश हो के खाओ, खुश हो के खाओ, तुम्हें पता है ऊपर और भी आपके लिए रखी हुई है। बस अम्मी जी खाएं और अच्छा सा खाना बनाएं और रियाज को खिलाए। अम्मी है ऊपर, हाँ रियाज अम्मी को बताओ ऊपर और भी है, मिल जाएंगी यार। आप खाएं और मिल जाएंगी, मिल जाएंगी, शाबाश। अम्मी जान आप तैयार हो गई हैं, अब आप रेसिपीज बनाएंगी, ठीक है, मारिया के साथ? हाँ हाँ, और इजाज के साथ भी काम करेंगी? हाँ, रमजान आ गया ना, हाँ रियाज के साथ, मेरी बात सुने, इजाज के साथ भी एक दो रेसिपीज बनाए ना। अच्छा भाई गया हुआ है, अच्छा ओके, चले मम्मी जान आप खाएं। तो यहाँ किचन में बन रहा है बहुत बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी कहवा, तो चले इसे हम डालते हैं कप में और आपको दिखाते हैं। और ये पिएगा कौन ये मैं बाद में बताती हूँ। अच्छा इससे छोटी पोनी कोई नहीं मिली तुम्हें, और सारी नीचे गिरा रही हो, नीचे गिरा रही हो, सारा गंद डाल लिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया नजमा, अभी साफ करो इसे, जल्दी करो, अभी गुड्डू आ गया तो डांटेगा, गंद नहीं डालना। तो ये देखें जी बहुत ही मजे का कहवा तैयार हो चुका है, और ये आपको हेल्दी और फिट रखने के लिए बहुत ही जबरदस्त है। इसमें क्या क्या ऐड किया है? इसमें है सौंफ है, इसमें सौंफ है, दालचीनी है, और क्या, अदरक है, अदरक, सौंफ, दालचीनी और ग्रीन टी। वाह क्या बात है, ये बहुत हेल्दी ये कहवा है, ये कोई भी पी सकता है खुद को हेल्दी और फिट रखने के लिए, दिन में दो बार, शाम और सुबह। तो चलिए ये देखे आते हैं जिसका है। ये देखिए इसे कचनार कीमा इतना पसंद है, अम्मी के पास पहुंच गया है रियाज, इतना पसंद अम्मी के पास, इनकी रेसिपी खत्म हो वहाँ फटाफट खाना शुरू करें, और इतनी जल्दी भी बनती माय डियर। अच्छा यहाँ तो अभी सारा कुछ कच्चा ही पड़ा हुआ है। नहीं कच्चा, तुम कच्चा ही खा जाओ, नहीं पकने का इंतजार करेंगे। नहीं नहीं खा लो, थोड़ा सा खा लो। मेरा ख्याल है अब तुम लोग यहाँ से निकलो, हमें अपना काम करने दो आज, हमारे ठीक है, इसके बाद शुरू होगा। अम्मी जी सारा सामान रेडी है माशाल्लाह से, सारा कुछ रेडी है, और सबसे प्यारी मेरी माँ रियाज, ये इसने पानी लगा दिया? नहीं उसने सारी दीवार धोई, उसके अंदर पौधा धोया, पानी चला गया, पानी नहीं धोया, हाँ हाँ उसने वो धोया है ना, उसके अंदर पानी आ गया। रियाज निकलो इससे पहले कि तुम्हें मारिया को काम करने दो। हाँ जी निकलो, हाँ हाँ मम्मी चलो 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 शाबाश, माशाल्लाह माशाल्लाह। अम्मी जान आज बना रही है गोश्त, पूरे मोहल्ले में खुशबू फैली हुई है, ओपन एयर में कर रही है, और पूरा अंदर में आ रहा था, गली से खुशबू आना शुरू हो गई थी। तो देखिए जी माशाल्लाह हमारी अम्मी भी यूट्यूबर बन गई है, क्या बात है, इजाज की माँ हो और यूट्यूबर ना बने। और मेरी अम्मी नर्वस हो जाती है, मुझसे पूछती है कि दही डाल दे या ना डाल दे, लेकिन क्या बात है, माँ जिलो मर्जी पा रहे तीन दिन पूछना, लेकिन दही ज्यादा है, इन्हीं दही ना पाई घटा हो जाए, हाँ इसको पति नहीं पा रहा है ना, हाँ पाओ। अम्मी ने इतना अच्छा खाना बनाया, ये मैं रात को खा लूंगा, क्योंकि आज हमारी जो है इनविटेशन है शंगरीला की तरफ, लाहौर ईट्स में, वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे खाना छाना खाएंगे, दावत है हमारी, अम्मी को भी ले जाओ रात को खाएंगे, अम्मी को भी ले जाओ साथ, उन्होंने क्या अम्मी का नहीं, मैं बड़ी तैयार है अम्मी। मैंने दो घंटे पहले खड़ा है, अच्छा